फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में बालों को झड़ने से रोकने के लिए घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ और किस तरीके से हम लोग घर पर ही तेल को बना करके अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों को अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए दोस्तों हमें कच्चे प्याज की, हमने तकरीबन एक बड़ा कच्चा प्याज लिया हुआ है, विटामिन ई की एक कैप्सूल, कलौंजी और मेथी दाना, एक चम्मच मेथी दाना है और आधा चम्मच कलौंजी है। नारियल का तेल लिया है दोस्तों हमने, पतंजलि का है नारियल का तेल। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैन की ज़रूरत है जिसको हम लोग गर्म करेंगे पहले। इसमें पैन में पानी नहीं होना चाहिए, पहले हम लोग इसको गर्म कर लेते हैं। जो भी थोड़ा बहुत गीला होगा तो ये सूख जाएगा पानी इसका। अब दोस्तों हम लोग इसमें ये नारियल का तेल डालेंगे। आप जितना भी बना रहे हो उस हिसाब से तेल डालें। मैं तकरीबन आधी इसमें तेल डाल रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर स्टोर करना चाहते हैं, वैसे तो ये तेल एक हफ्ते से ज़्यादा स्टोर ना करें क्योंकि इसमें प्याज पड़ा हुआ। आप लोग को तुरंत बनाना है, तुरंत लगाना है, तुरंत बनाएं और लगाएं। एक हफ्ते से ज़्यादा इसको स्टोर मत करिएगा, ना तो ये ख़राब हो जाता है तेल। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। प्याज में दोस्तों हमारे विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। इसमें फॉलिक एसिड भी होता है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस प्याज को हमें तब तक गर्म करना है इसमें जब तक ये पूरी तरीके से काला ना हो जाए, जल ना जाए। इसी में हम लोग मेथी दाना और कलौंजी भी डाल देंगे, जो कि हमने एक चम्मच मेथी और आधा चम्मच कलौंजी लिया हुआ है। इसको दोस्तों मीडियम आंच पर ही पकाना है, तो ये जल्दी पकेगा नहीं। और प्याज को एकदम जला लेना है। इसको ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नारियल के तेल में ही बनाए। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, वो सरसों का या किसी भी ब्रांड का हो, आप उसमें भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे बालों को की ग्रोथ बढ़ाएगा और हमारे बालों को झड़ने से रोकेगा। जिनको प्याज से एलर्जी है वो प्याज इग्नोर करके खाली मेथी और कलौंजी से भी ये तेल बना सकते हैं। दोस्तों कच्चा प्याज का रस भी लगा सकते हैं, लेकिन कच्चे प्याज के रस को लगाने से हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है, जिससे कि बाल रूखे और बेजान लगने लगते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस अच्छा है। इसमें प्याज की स्मेल भी चली जाती है और तेल भी बन जाता है हमारा। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा प्याज पूरी तरीके से लाल हो चुका है। इसमें इसके सारी प्रॉपर्टीज तेल में आ गई है और ये हमारा मेथी दाना और जो कलौंजी हमने डाली थी वो भी पूरी तरीके से भून चुका है। इसकी भी प्रॉपर्टीज पूरी तेल में आ गई होगी। तो इसको हमें जब बालों में लगाएंगे तो हमारे बालों की, एक दिन में तो नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ 1 मंथ में आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। प्लीज़ इसको अपने घर में आप ट्राई करके ज़रूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, ये लाल हो चुका है। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और जब ये तेल ठंडा हो जाएगा हम लोग इसको नॉर्मल टेम्परेचर में पंखे में रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसको ऐसे शीशी के जार में खाली करेंगे।
फिर मैं इसको आपको अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा तेल लगभग ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसको एक शीशी के ही जार में दोस्तों रखना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जिस हिसाब से आपके पास हो आप ले सकते हैं, लेकिन शीशे का ही होना चाहिए वो। अब हम लोग इसको एक शीशे के बाउल में या जार में खाली कर लेते हैं, छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल तैयार हो गया है। अब हम इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। विटामिन ई की कैप्सूल दोस्तों हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करेगी, इससे हमारा अच्छा हेयर ग्रोथ होगा। इसे हम चम्मच से मिला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं। एक एक दो दो दिन छोड़ के आप इसको, इस तेल को अप्लाई करें अपने सर में, सर की जड़ों में। अब मैं इसको अपने सर में अप्लाई करके भी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये तेल अब हम अपने सर पे अप्लाई करके आपको बताते हैं। जैसे कि एक कटोरी में आप अपने बालों के हिसाब से तेल ले लें, पहले थोड़ा ही निकालें, कम पड़े तो फिर से ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने बालों को खोल लें दोस्तों। जैसे आप लोग इसको स्टोर कर रहे हैं तेल को, तो उसके बाद आप लोग इसको जब भी लगाएं तो थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। इस टाइम तो दोस्तों सभी के बाल बहुत झड़ रहे होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, सभी के झड़ते हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं। इसलिए मैंने तेल में बनाने चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इसको। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ऐसे जड़ों में इस तरीके से पहले पार्टीशन कर लें आप लोग बालों का, उसके बाद इस तरीके से इसी तरीके से दूसरी साइड पे। जड़ों के अलावा दोस्तों अपने बालों में भी लगाना चाहिए तेल। मैंने ज्यादातर लोगों को सुनती हूँ कि जड़ों में लगाओ, जड़ों में लगाओ, जड़ों में तो लगाना ही चाहिए, साथ में अपनी हेयर की टॉप पे और पूरे हेयर में बहुत ही अच्छे से बाल पे तेल अप्लाई करना चाहिए। और हल्के हाथों से दोस्तों इस तरीके से मसाज करें और फिर बालों को इस तरीके से नीचे करके, इस तरीके से तेल लगाने से पूरे बालों में बहुत अच्छे से तेल लगता है। अपने हाथों में इस तरीके से तेल ले लें, ऐसे लगाएं, ऐसे बहुत अच्छे से तेल लगता है सर में। हेयर की टॉप पे जरूर लगाएं बालों को, यहीं से बाल बहुत निकलते हैं। आजकल तो दोस्तों बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं तेल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ऐसे ही दोस्तों हल्के हाथों से, और इस तेल को दोस्तों ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन तक लगाए हुए हैं जब आपका बाल धुलने का मन हो रहा है तब, नहीं, इसको एक दिन रात में लगाया है, पूरा दिन लगाया और नेक्स्ट डे धुल लेना है।
तीन चार दिन तक लगा करके नहीं रखना है अपने बालों में। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप और तेल ले सकते हैं, कम पड़े तो। मेरे बालों के लिए इतना तेल काफी था। करना है कंघी नहीं करना है। जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तेल लगाने के बाद अगर आप कोम करेंगे तो और ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए कोम नहीं करना है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को सुलझा लेना है इस तरीके से दोस्तों। ऐसे बालों को इस हल्के हल्के हाथों से या इस उंगलियों की पोर से अपने बालों को इस तरीके से सुलझा करके बस एक आपको छोटी बूंद लेनी है। बाल खोल के नहीं सोना है। कोम करने से दोस्तों और बाल हमारे ख्याल से टूट जाते हैं, निकलने लगते हैं तेल लगाने के बाद। जिनके निकल रहे हैं, जिनके नहीं निकल रहे हैं वो कोम करके। इस मेरे तो इस टाइम बाल निकल रहे हैं, इस वजह से मैं कोम नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से दोस्तों छोटी बना लें अपनी। खूब टाइट चोटी नहीं बांधनी है, टाइट चोटी बांधने से और हेयर टूटते हैं, इस वजह से हमें टाइट चोटी नहीं बनानी है। बस इस तरीके से हल्की चोटी बनानी है और हमें बैंड लगा लेना है या क्लच कर लेना है इसी तरीके से दोस्तों। देखिए ये तेल दोस्तों अपने घर पर आप बना के ज़रूर अपने वालों पे ट्राई करें। आपको एक दिन में नहीं तो वन वीक में आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा नज़र आएगा। एक एक दिन छोड़ के दो दिन पे आप इस तेल को अप्लाई करें और 10 से 12 दिन तक ही इस तेल को रखें, क्योंकि इसमें प्याज पड़ा हुआ है। अगर आप प्याज नहीं लगाना चाहते हैं प्याज को अवॉइड कर दें, आप खाली मेथी दाना और कलौंजी भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से प्रोसेस वही रहेगा कि मेथी दाना और कलौंजी को उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसको छान लें शीशी में और फिर विटामिन ई की एक कैप्सूल लगा लें, उससे भी आपके बहुत फ़ायदा करेगा। बहुत से लोगों को प्याज नहीं सूट करता है, उसकी स्मेल उन्हें नहीं अच्छी लगती, तो वो लोग ना लगाएं। तो दोस्तों मेरा तेल आप लोग को कैसा लगा इसको बताना कमेंट में ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना, प्रेस करना ना भूलें। और अगर ये मेरी तेल वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बालों का झड़ना रुके आपका, तो प्लीज़ आप लोग पहले इसको ट्राई करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।